हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के बहुचर्चित रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। दूसरी ओर पीड़ित लोगों ने वनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है। तो वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदय, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव सोएब अहमद व अन्य नेता शामिल हैं। लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है, लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4,365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा गया है। ये जगह हमारी है और हमें अपना इंसाफ चाहिए। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग हैं, ये इतने टाइम से हैं, इन्होंने हमें आज तक नहीं बताया। इतने टाइम से ये हमारा है, हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ पढ़े, तो रेलवे का कहाँ से आ गया ये। अगर वो लेती है तो क्या करेंगे आप लोग? वो लेती है तो हम जनता यहाँ धरने में बैठेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हम मुख्यमंत्री से इंसाफ चाहिए। और जो हाईकोर्ट ने आदेश दिए एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटा दिया, कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये एक या दो दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके एक सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। आज क्या है सर? आज देखिए, ये आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। रेलवे का अपना एक मैप है और एक हमारा रेवेन्यू का मैप है। ठीक है, रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब, यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है। अब मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है, तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है 4,000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है। तो उसके क्रम में चूँकि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन में क्लैरिटी हो, इसके लिए आज की कवायद की गई। सर, जो मैप जो पहले स्टार्ट किया 29 एकड़ था, 79 एकड़ हो गया, लेकिन लोगों का कहना है हम जान दे देंगे, घर नहीं। नहीं, देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा गया है वो उसी के कंप्लाइंस के लिए हम यहाँ पर हैं, तो उसको कंप्लाइंस कराया जाए। सर, कितनी भूमि लेंगे? जो कोर्ट का ऑर्डर है कितनी भूमि का है? कोर्ट का ऑर्डर, ये एग्जैक्ट भूमि तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सीमांकन हुआ है 4,365 एग्जैक्ट फिगर मेरे को नहीं है। 300 घरों का, हाँ, 4,365 या कुछ इतने। इनको कैसे मनाया जाएगा जी? जो धरने पर बैठे इनको कैसे हटाया जाएगा सर, जो धरने पर बैठे हैं? नहीं तो वो बैठे हैं, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी जो मुनादी की कार्रवाई है, जो पब्लिकेशन की कार्रवाई है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेप दिए गए हैं, तो वो स्टेप हमारे प्रारंभ हो चुके हैं आज से।